तो हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल अगेन। ये मेरा डॉग है शेरू। शेरू से हाय टू एवरीवन। और आज हम जाने वाले हैं सुकराला देवी टेम्पल, तो चलो चलते हैं। ये तीन घंटे ट्रैवल करने के बाद हम फाइनली बिलावर पहुंच गए हैं, बट सुकराला माता का मंदिर अभी भी दूर है। चल अभी 1-1.5 घंटा और रास्ता है। तो नीचे एक दरगाह है, अगर आप ऊपर से कॉइन फेंको और वो कॉइन इसके अंदर गिर जाता है तो आप कोई भी विश मांगते हो तो वो पूरी होगी। और कुछ ऐसा व्यू है मेरे आगे पीछे। एंड आई एम द अनलक्की वन, क्योंकि मैंने जो सिक्का फेंका वो इसमें नहीं गिरा और वो बाहर गिरा, तो आप मेरी विश पूरी नहीं होने वाली है। टावर एंटर करने के बाद एक जगह आती है फिंतर। फिंतर से यू टर्न लेने के बाद सुकराला मंदिर के लिए रास्ता आता है। तो मैं आपको एक अमेजिंग चीज़ बताता हूँ, ये एक ब्रिज है, तो ये काइंड ऑफ एक रिवर है। इस रिवर की एक खास बात है जो कि मैं आपको बताता हूँ। अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो यहाँ पर एक रॉक है। ये जो रॉक है ये किसी को भी नहीं पता कि ये कहाँ से आई है। जब यहाँ पे रिवर में फ्लड्स आए थे तो ये बहकर आ गई थी, और इस पे पूरे हनुमान जी जो हैं वो कार्व्ड हुए हैं, मतलब पहले से बने हुए हैं, उनकी पूरी आकृति है इस पे, तो इसलिए लोग इसकी पूजा करते हैं। अभी इस पे सिंदूर लगा है, मैं थोड़ा जूम करके बताने की कोशिश करता हूँ। वहाँ जा नहीं पाऊँगा क्योंकि थोड़ा सा टाइम कम है। तो फाइनली पहुँच गए हम माँ सुकराला माता टेम्पल। ये स्टेयर्स हैं, कुछ 80-85 स्टेयर्स हैं जो हमें चढ़नी है, और उसके बाद ऊपर मंदिर है। ये यहाँ की मार्केट है, वैसे तो आज क्राउड बहुत कम है। जिस राज ने मंदिर बनाया था वो चंडी कराया था मेसी। तो जब मंदिर कंप्लीट हुआ तो यहाँ शेर हैं, चार शेर हैं माता के आगे, यहाँ पेड़ होता था बल्लू सूढ़े का। तो राज ने बोला कि माँ तेरी शक्ति को तो अभी मानूंगा, ये पेड़ हरा होना चाहिए सुबह। तो राज ने पहले दे हरा दी, जब सुबह हुई तो सुक्के को हरा कर दिया उसने। तो माता का नाम मल है लेकिन जगह का नाम सुकराला पड़ा, सुक्के को हरा करने वाली सुकराला। आई वॉज हैविंग गूज बम्स रियली, मतलब उन्होंने एक स्टोरी सुनाई माता रानी की वहाँ की, कि कैसे वो प्रकट हुए थे पूरा। सो लाइक लिटरल। तो सुकराला माता से वापस लौटते वक्त हमने सुरिंसर मानसर वाला रोड लिया था, और सुरिंसर लेक के साइड से निकलते वक्त हमें ये लोटस कल्टीवेशन मिली सुरिंसर लेक में, जो कि बहुत ही सुंदर दिख रही थी। कितना सुंदर